ये है, ब्रेक पैड्स चेक कर सकते हो। सो भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो नया ब्रेक पैड्स लग चुका है। अभी देखो मोड भी काट पा रहा हूँ। एक नया फोन लेने का प्लानिंग कर रहा हूँ, फोन जिसमें कि वाइड एंगल वगैरह होगा, जिससे कि मैं वीडियोस वगैरह अच्छे तरीके से बना पाऊँ। सो भाई लोग, स्वागत है आप सभी लोगों को मेरा आज का और एक न्यू वीडियो पर। तो आज थोड़ा सा जल्दी वीडियो स्टार्ट हो रहा है। आज अभी मैं करने वाला हूँ साइकिल का जो पीछे का ब्रेक पैड है वो चेंज, क्योंकि साइकिल का पीछे एकदम ब्रेक पैड पूरा ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से पूरा मतलब जो लोहा है वो घिस रहा है मतलब जो डिस्क रोटर में, तो जिसकी वजह से रोटर में थोड़ा बहुत मतलब स्क्रैच टाइप का आ गया है, जैसे मतलब देख के ही समझ में आ रहा है कि लोहा घिस रहा है। तो मैंने आसनसोल से लेके आया था ब्रेक पैड्स। सो ये है ब्रेक पैड्स, चेक कर सकते हो। सो अभी ये ब्रेक पैड्स को फिट करते हैं, देन राइट पे निकलेंगे। चलो भाई लोग, अभी जहाँ तक लगता है कि ये जो है ना, ये जो चीज़ें, ये जो बोल्ट्स है, ये बोल्ट्स को खोलना पड़ेगा ये अंदर का क्लिप निकालने के लिए, बट मैं क्लिप नहीं निकाला हूँ। ये देखो, ये मेरा पुराना ब्रेक पैड है। हाँ देखो, एकदम भाई एकदम पतला हो गया है, अब देख सकते हो ये लोहा घिस रहा था। अभी अगर डिस्प्ले आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट आ रहा होगा, तो ये चीज़ मतलब लोहा घिसने के कारण ये चीज़ हुआ है। सो भाई लोग, अभी यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये है पुराने ब्रेक पैड्स, ये है नए ब्रेक पैड्स, और मैंने ये देख सकते हो बीच से ये जो क्लिप है ये निकाल दिया, तो दोनों ब्रेक पैड्स इजीली निकल गए। तो भाई लोग, ये जो सीन है, ये बोल्ट्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। सो या इसके अंदर जो क्लिप है, बस क्लिप को निकाल दो किसी तरह से, पता नहीं उसका भी कोई टेक्निक होगा, मैंने तो भाई जुगाड़ लगा के निकाल दिया है। तो ये क्लिप अगर निकल जाए, देन ये दोनों को अच्छी तरीके से फिट करो, देन ये क्लिप लगा दो। मैं लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। सो भाई लोग, यहाँ पे देख सकते हो नया ब्रेक पैड्स लग चुका है। सो इसको टाइट करके और थोड़ा सा आगे लाया जा सकता है, अभी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पोजीशन में अभी रख देंगे। तो अभी क्लिप वगैरह सारा कुछ लग गया है। सो अभी ये बोल्ट्स खोलने का ज़रूरत नहीं। सो ठीक है, चलते हैं, अभी इसको फिट कर लेते हैं साइकिल पे। भाई लोग, अभी ब्रेक एक नंबर हो चुका है। अभी आप लोगों को ब्रेकिंग चेक कराता हूँ। देख सकते हो भाई, पूरा एकदम मैंने मेरे अकॉर्डिंग इसको सेट कर लिया हुआ है, इतना तक मैक्सिमम आएगा, देन पूरा चक्का रुक जाएगा। अभी ये धीरे 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 इसका पावर घटता रहेगा। चेक मारो, चक्का घूम रहा है, एक बार में रुक गया। सो भाई लोग, अभी ब्रेक पैड्स वगैरह लग चुका है, एकदम प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है, बस थोड़ा बहुत आवाज़ हो रहा है, वो सही हो जाएगा। और अभी मैं जा रहा हूँ हमारा सालतोड़ा डैम, वहाँ पे साइकिल बहुत दिन से वॉश नहीं किया हूँ। तो जब आसनसोल में मैंने पूरा साइकिल सर्विसिंग करवाया था, तब एकदम खोल के पूरा पार्ट्स वॉश किया गया था, तो वही एकदम शायद से 1 मंथ हो चुका है, मतलब 1 मंथ पहले मैं वॉश करवाया था, उसके बाद एक बार भी साइकिल को धोया तक नहीं हूँ। तो आज जाएंगे वहाँ पे, शैम्पू वगैरह से अच्छी तरीके से वॉश करेंगे, खुद भी नहाएंगे, माई भाई भी जाने वाला है साथ में, बहुत दिन बाद आया है वो भी घर पर, तो साथ में चलेंगे। सो चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को आगे, थोड़ा बहुत क्लिप शायद से आप लोगों को देखने को मिलेगा वहाँ पे वॉशिंग का। सो चलो दिखाते हैं आप लोगों को आगे। सो भाई लोग, अभी आ चुका हूँ यहाँ पे हमारे डैम पे, साइड दिखा दे बस, और पीछे अपना कैमरामैन महिंद्रा के साथ, मैं अपना माई भाई या पीछे देख सकते हो भाई, बहुत दिन बाद आया है। तो अभी साइकिल को धोएंगे, कुछ चीज़ें लाए हैं हम, चेक करो। ये है कपड़ा, ये है ब्रश सेंस साफ करने के लिए, बाकी इधर है शैम्पू। सो अच्छी तरीके से साइकिल को नहलाते हैं। आसनसोल से जब से सर्विसिंग करवा के आए हैं, तब से एक बार भी इसको वॉश नहीं किया है, सो आज पूरा अच्छी तरीके से वॉश करेंगे इसको। सो चलो दिखाते हैं आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड। तो भाई लोग, अभी जस्ट मतलब मैं सो के उठा हूँ, मतलब साइकिल वॉश के बाद मैं घर पे आके खाना वगैरह खा के सो गया था थोड़ी देर, तो अभी जस्ट सो के उठ रहा हूँ। सो अभी आज अकेला ही निकलूँगा, और आप लोगों को आज एक मतलब पुराना सेटअप देखने को मिलेगा मेरा। आज मैं चेस्ट माउंट पे वीडियो बनाने वाला हूँ, सो फटाफट चेस्ट माउंट वगैरह पहन लेते हैं, रेडी हो लेते हैं और निकलेंगे। सो चलो, अभी चेक कर सकते हो, आ चुका हूँ स्टंट पॉइंट के पास ही, और आज के व्लॉग का
फर्स्ट व्हीली वही क्रैश, फर्स्ट व्हीली पे ही क्रैश। दरअसल आज आप लोगों ने जैसा देखा पहले, आज मैंने साइकिल को वॉश किया हुआ है जिसकी वजह से डिस्प्ले ठंडा हो गया है पूरा, मतलब पानी वगैरह घुसा हुआ है। तो जब तक पानी सूखता नहीं तब तक ब्रेक थोड़ा सा कम लगेगा। सो और एक व्हीली ट्राई करते हैं, ये चेक करो। अभी देखो मोड़ भी काट पा रहा हूँ भाई साहब। सर्दी हो गया है बहुत ज़्यादा। अभी जितना तेज़ी से वेदर वगैरह चेंज हो रहा है उसकी वजह से बाकी बहुत दिन बाद आप लोगों को इस तरीके का व्यू मिल रहा होगा, चेक करो। और एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, चेक मारो। ये जो चीज़ यहाँ पे नीचे को था वो मैंने यहाँ से निकल के ऊपर उठा दिया है, मतलब मुझे जो हैंडल था वो इसी जगह पे चाहिए था, क्योंकि ये जब थोड़ा सा ऊपर हो गया, मतलब ये जब नीचे घुस गया था तो हैंडल थोड़ा सा ऊपर उठ गया था, जिसकी वजह से अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो मैंने इसको फिर से इसके पहले के पोजिशन में लाया और ऊपर में ये दोनों देके टाइट कर दिया हूँ। हेलो, राइड वगैरह बहुत कम हो रहा है, बाकी देखते हैं। अभी रेगुलर व्लॉग अपलोड करने का ट्राई कर रहे हैं। और एक चीज़, आयुष अभी नहीं है साउथ गोवा में, वो कुछ काम से, मतलब ऐसे उसका तो कोई काम नहीं, बट उसके पेरेंट्स जो है अभी यहाँ पे नहीं है, तो उनके पेरेंट्स के साथ ही वो गया है बाहर। तो अभी तो है, जहाँ तक लगता है काली पूजा के बाद ही आएगा। तो तब तक हम यही सोच रहे हैं कि हम वीडियो कैसे अपलोड करें, तो देखते हैं। मेरा एक मोबाइल लेने का प्लान बन रहा है, तो मोबाइल ही ले लेंगे, देखते हैं कितना क्या होता है। ये बस एक प्लानिंग चल रहा है, अभी फाइनल नहीं है कि ले रही है, अभी बस प्लान कर रहा हूँ फिर मोबाइल लेने का। बाकी भाई ये देख सकते हो सामने है मोड़, ये मोड़ काट पाऊंगा क्या? नहीं, वो पहले ही रुक गया। तो अभी हैंडल का जो पोजीशन है वो बहुत परफेक्ट लग रहा है मेरे लिए। जो अभी एक जो चीज़ आप लोग, मतलब ये साइकिल को अभी पूरा एक साल हो चुका है कंप्लीट, मतलब मैंने ये साइकिल खरीदा था 18 अक्टूबर 2025 को, और आज है शायद से, आज कितना तारीख है भैया, अरे तारीख किधर से देखते हैं, भूल गया। अच्छा आज 30 तारीख है, आज 30 तारीख है, आज है 30 अक्टूबर 2023। सो एक साल क्रॉस हो चुका है इसको, 1 साल 12 दिन इसका एज हो गया साइकिल का। सो भाई लोग, अभी मैं आ चुका हूँ घर। आने के टाइम पे जितना भी वीडियोस मैंने बनाया था, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, बट कैमरे में दिक्कत आप लोगों को पता ही है, लगा रहता है। सो पता नहीं आखिर का शायद से वीडियो नहीं बना होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि लाइट ब्लिंक तब नहीं कर रहा था, मतलब कैमरा ऑन है यही समझ में नहीं आ रहा था, कभी कभार ब्लिंक कर रहा था, कभी कभार नहीं ब्लिंक कर रहा था। तो सो मैं समझ नहीं पाया कि आखिर का वीडियो बना ही नहीं। तो अगर बन गया होगा तो आप लोगों को पहले ही देखने को मिल गया होगा, अगर नहीं बनाया तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं नेक्स्ट टाइम से अच्छा ट्राई कर रहा हूँ वीडियो बनाने का, और मैं उसी लिए एक नया फ़ोन लेने का प्लानिंग कर रहा हूँ, नया फ़ोन जिसमें कि वाइड एंगल वगैरह होगा, जिससे कि मैं वीडियोस वगैरह अच्छी तरीके से बना पाऊँ। सो आज का वीडियो यही तक था। अगर आपने वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का वीडियो ऐसा फर्स्ट वीडियो है मेरा पूरा चैनल का, ये फर्स्ट ऐसा वीडियो है जो कि एकदम सुबह से शुरू हुआ है वीडियो, और अभी शाम हो रहा है तो अभी तक वीडियो चल रहा है, जाके एक वीडियो कंप्लीट हो रहा है आज, तो इतना टाइम तक एक वीडियो आज कंप्लीट हुआ है। सो चलते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।